सिंपल सी फेरी राइड आपका दिन इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। किसी के लिए वो बस एक नाव की सवारी है, तो किसी के लिए रोज आने जाने का रास्ता, और कोई तो बस वहाँ बैठा है उस शाम के नज़ारे को निहारने के लिए। वो शाम की ठंडी ठंडी हवा, वो नदी का पानी, लेकिन मुझे इसमें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मुझे तो बस जाना था उस पार, क्योंकि मेरे मोम की किसी गली ने कहा था उस पार की मार्केट की बड़ी ही अच्छी रौनक है। खैर, मोम के साथ मैं भी हो गया। मैं बस वहाँ बैठा था और लोगों को देख रहा था। कोई शहर घूम के वापस आ रहा था, तो कोई अपने दोस्त की डांट खा के आ रहा था, और ऐसे ही कोई जोर जोर से चिल्ला रहा था, अपने फोन पे बातें कर रहा था, कह रहा था कि मैं अपनी प्राइवेट बातें डिस्कस नहीं कर रहा। लेकिन उसे देख कर लग नहीं रहा था कि वो कोई छुपा रहा था। ऐसे ही मैं बैठा बैठा देख रहा था कि एक 25 साल का लड़का अपनी बाइक लेके वहाँ पे नाव पे चढ़ा रहा था। वो उसने बाइक को साइड में लगाया और जस्ट मेरे पास में ही बैठ गया। मैंने उससे पूछा कि इतनी मशक्कत करने की क्या जरूरत है, रोड से भी तो जा सकते थे। उसने कहा कि हाँ, जा तो सकता था, लेकिन मुझे एक पार्सल पहुँचाना है और 2 घंटे रोड से परेशान होने की बजाय क्यों ना मैं नाव से जाऊँ। मैंने कहा सही है। फिर ऐसे ही मेरे दिमाग में कुछ चलने लगा। मैं सोचने लगा कि कैसे इतने सारे लोग हैं, उन सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, हम सब एक ही नाव पे हैं, कैसे 20 मिनट के लिए हम सब की जिंदगियां आपस में जुड़ जाती हैं, कैसे हम एक साथ एक ही सफर पे, इसकी शुरुआत भी एक ही जगह से हुई थी और एंड भी एक ही जगह पे हुआ, लेकिन उस मुकाम तक पहुंचते ही हम सब अलग अलग हो जाते हैं। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, हम बस एक मंजिल चुनते हैं और एक रास्ता चुनते हैं, और उस रास्ते को मान लेते हैं कि वो सही है। हम खुद को दिलासा देते रहते हैं कि हम कभी गलत हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो रास्ता हमने अपनी मर्जी से चुना है। लेकिन एक ही मंजिल के कई रास्ते हो सकते हैं। कुछ रास्ते हमें थकाते हैं, परेशान करते हैं, तो कुछ रास्ते हमें बस भूल भुलैया में घुमाते रहते हैं। और कभी कभी कुछ रास्ते इतने खूबसूरत होते हैं कि मन करता है कि बस वहीं रुक जाए। ऐसे ही मैंने भी एक अपना रास्ता चुन लिया है, और इतना बड़ा नहीं है, लेकिन इसे छोटा कह के मैं अपने और अपने दोस्तों को कंसर्न नहीं करूँगा जो यहाँ सब बैठे हैं और अपने 4-5 मिनट का परफॉर्मेंस देने के लिए आए हैं। खैर, हम सब की जिंदगी अलग अलग है, हम सब के आइडियाज अलग अलग, फिर भी हम सब यहाँ पे एक साथ हैं। हम सब तो एक साथ आने वाला एक क्लब फोर्थ वॉल उस नाव की तरह है जिसने कई लोगों को उस पार पहुंचाया। उम्मीद करता हूँ कि हमारा सफर भी उतना ही सुहाना रहेगा और उस पार के मार्केट की रोशनी उतनी ही खूबसूरत रहेगी जितना कि ये सफर होने वाला है।